सौ साल पहले महामना जी के इस कार्य को देखें तो पता चलता है कि दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, विजनरी किसको कहते हैं। गुलामी के उस कालखंड में राष्ट्र के भावी सपनों को हृदयस्थ करना और सिर्फ यह देश कैसा हो, आजाद हिंदुस्तान का रूप रंग क्या हो, ये सिर्फ सपने नहीं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या हो सकती है, और वो है उन सपनों को साकार करे ऐसे मानव समुदाय को तैयार करना। उस प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करना चाहते थे कि जिससे उनका कारोबार लंबे समय तक चलता रहे। महामना जी उन महापुरुषों को तैयार करना चाहते थे कि वे भारत की महान परंपराओं को संजोए हुए राष्ट्र को निर्माण में भारत की आजादी के लिए योग्य सामर्थ्य के साथ खड़े रहे और ज्ञान के अधिष्ठान पर खड़े रहे, संस्कारों की सरिता को लेकर के आगे बढ़े। ये सपना महामना जी ने देखा था। जो काम महामना जी ने किया उसके करीब 15-16 साल के बाद ये काम महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के रूप में किया था। करीब करीब दोनों देश के लिए कुछ करने वाले नौजवान तैयार करना चाहते थे। ये दीक्षांत समारोह है, हम ये कभी भी मन में न लाए कि ये शिक्षांत समारोह है। कभी कभी तो मुझे लगता है दीक्षांत समारोह सही अर्थ में शिक्षा के आरंभ का समारोह होना चाहिए।